उमरिया दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ की सरकार में मध्य प्रदेश के बल्लभ भवन को दलालों की मंडी बना दिया गया था। उन्होंने कहा 15 महीने में प्रदेश की जनता को लूटा गया, इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के MPT होटल में अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी 2 बैठकें हुई हैं, जिसमें एक कोरोना पर थी। शिवराज ने कहा बढ़ते हुए कोरोना को लेकर अब कुछ जिलों में फिर से कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे और रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू होगा। वहीं दूसरी अहम बैठक वन विभाग की रही, जिसमें बहुत सी बातें सामने आई हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के 106 करोड़ रुपए घोटाले को लेकर कहा कि वे पहले से कहते आए हैं कि कमलनाथ की सरकार में जनता को लूटा गया है, बल्लभ भवन दलालों का अड्डा बना दिया गया था, इसकी जांच की जाएगी और इस पर कार्रवाई होगी। कमलनाथ जी की सरकार ने दबा सामने वाले भवन को जो जनता की सेवा का और विकास का दलालों की मंडी के रूप में परिवर्तित कर दिया और अपने एक एक तथ्य निकल के आ रहे हैं, उसके कारण मन में तकलीफ भी है। जो कुछ हुआ है वो जनता के सामने है और इसलिए जो भी वैधानिक कार्रवाइयां जो गड़बड़ हुई है उन गड़बड़ों पर की जा सकती है, वो की जाएगी। लेकिन स्पष्ट हो गया कि हम जो कहते थे वो सच था, मध्य प्रदेश को लूटा है 15 महीने। हम मनाने वाले डंडौआ में उसमें इन सारे कदमों का हम ऐलान करेंगे, इनको घोषित करेंगे। वनों में रहने वाले हमारे भाई बहनों की जिंदगी कैसे आसान बने, वन ग्रामों में जो असुविधाएं हैं वो कैसे समाप्त हो और वहाँ बुनियादी सुविधाएं कैसे पहुँचे जिससे वो ठीक से जीवन जी सकें, उसके बारे में भी हमने अनेकों फैसले किए हैं। बांधवगढ़ का दौरा कर डगडगुआ आते समय शिवराज ने ग्राम धमोखर में बैगा जनजातियों के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उनका लोगों ने आत्मीय स्वागत किया। शिवराज ने सभी से मुलाकात कर सभी का हालचाल जाना और सरकार की योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचाने की जानकारी ली। अच्छा, स्कूल का है, जाते हैं बच्चे पढ़ने? अच्छा, राशन मिलता है कि नहीं? ठीक से मिल जाता है? कोई पैसा तो नहीं खाता? और स्कूल में बच्चों को किताबें मिल गई क्या? मिल गई सबको? पढ़ना मेरी बेटी, अच्छे से पढ़ना। और तुम मेरी सगी बहनें हो, इसलिए वो पैसे भिजवाता है ना? ठीक है बेटी। सर हाँ ठीक। 10 किलो का यूनिफॉर्म, 12 किलो का एम्युनिशन, 15 kg का रक्षक, एक सोल्जर जंग में दुश्मन से ये सब पहन के लड़ता है और आप एक मास्क पहनने में हिचकिचाते हैं। यही तो है आपका हथियार कोरोना से लड़ने के लिए। एक सोल्जर आपसे कह रहा है, बनिए कोरोना सोल्जर मास्क पहन के। इस जंग में जुड़ने के लिए imacoronasoldier.com पे रजिस्टर करो, मास्क पहनो, कोरोना सोल्जर बनो। मास्क का वार, कोरोना की हार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।